पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने भेलूपुर लूटकांड से संबंधित ऑडियो क्लिप जारी की। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज 15 मिनट 9 सेकंड की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है, जो भेलूपुर लूटकांड से जुड़ी हुई बताई जाती है। ऑडियो भेलूपुर पुलिस के कुछ अफसरों और अजीत मिश्रा के बीच की बातचीत की बताई गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ये रिकॉर्डिंग मिली है, जो 30 मई 2023 की रात भेलूपुर पुलिस के उपनिरीक्षक सुशील कुमार और उत्कर्ष चतुर्वेदी द्वारा अजीत मिश्रा के साथ तब की बातचीत बताई गई है, जब पुलिस अजीत मिश्रा को 30 तारीख की रात जबरदस्ती एक सफारी गाड़ी में बिठाकर पैसे की वसूली के लिए वाराणसी से लखनऊ ले जा रही थी। इस बातचीत में अजीत मिश्रा पैसे के शीघ्र बरामद होने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 49-50 लाख की बरामदगी की बात हो चुकी है, जबकि पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि सीओ साहब इस मामले में विशेष रुचि ले रहे हैं, सीओ साहब हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, वे इस मामले में लगातार लगे हुए हैं। इस पर अजीत मिश्रा ये कह रहे हैं कि सीओ साहब सेटलमेंट वाले हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं सेटलमेंट कर लिया। पुलिस के अफसर कह रहे हैं सीओ साहब ये चाहते हैं कि सारा पैसा उन्हें मिल जाए, वे मालामाल हो जाए, बाकी किसी को कुछ मिले या ना मिले। ये भी कह रहे हैं कि अब वे हम लोगों का नुकसान भी करेंगे। इसी बातचीत में एक पुलिस वाला कह रहा है कि एडीसीपी साहब को बता दिया जाए कि 11 बजे तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत भेलूपुर लूटकांड को पूरी तरह संदिग्ध बना देती है, जहां पुलिस के अभिलेखों में 5 जून को लूट की घटना दर्ज हुई, वहीं उससे 6 दिन पहले ही पुलिस द्वारा इस प्रकार बरामदगी का प्रयास करना और इस प्रकार की बातचीत करना इस बात को स्पष्ट करता है कि कथित लूटकांड में पुलिस वालों की मुख्य भूमिका थी, जिसमें संबंधित सीओ और एडीसीपी की भी भूमिका है। अतः अमिताभ ठाकुर ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी को पुनः इस प्रकरण को सीबीआई को संदर्भित करने का अनुरोध किया है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वे इसे आगे ले जाएंगे। इस ऑडियो क्लिपिंग की केटीवी पुष्टि नहीं करता है। पैसे मतलब है ना, तो एडीसीपी साहब को बोलिए 11 तक पैसा हर हाल में आ जाएगा। उनसे बस इतना बता दीजिए कि 11 बजे तक हर हाल में आ जाएगा, लेकिन चलने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा भैया ना सुशील भैया। अरे बाप उसके पास अपने सम्मान में बस घुस जाते हैं कि संबंध है और आप बोल देते बताइए मेरे को लाइन के बात सुन रहे थे, बोल रहा है मैं हर हाल में आऊंगा, मैं कहा तुम्हारी वजह से फंसा हूँ। हम लोग अपने समझे, आप अपनी बात बताइए, इसकी बात बताइए, मैंने जो आपने बात नहीं बताई हम तो कही रहा नहीं सुने हैं कि मैं पैसा दूंगा आपको, लाके जितना है मैं 100% मिसाइल जो है कि इस पैसे कोई मूल्य नहीं आपके इज्जत के आगे, मैं लाके दूंगा, लेकिन कल तक तब तक ये सब बीच में करने की क्या जरूरत है। जब वो कल तक कह रहा ला के मैं दूंगा पैसा, वो तो हो गया, वो कितना पैसा लाएगा? अरे जो पहले लाए तो जो भी लाएगा उसके बाद जो कम बेसी होगा उसके साथ 3-4 लोग आए थे पटेल गुजरात से, वो लाके देंगे वही लेके आया। हाँ, वो तो खुद बैठा था गिरी सेटलमेंट की, भैया हमारा जो है जो थाने में लोग लिए हैं दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग दे दे, बाकी आएगा लोग लेते रहेंगे, ये सीधी सी बात है। किसी का रिकवरी आ पड़ी है क्या दिक्कत है? आज यार डेडलाइन के नाम पे है ना, कितना रिकवरी हुई है? 6 लाख 6 लाख 6 लाख 1 लाख वो नहीं रखा है अपने पॉकेट में, यहाँ पॉकेट हो गया, चलिए ठीक है। आपके पास कितना है सब बता दिया, गाड़ी में कितना है सब कुछ बता दिया, 1 करोड़ रुपया ही हो गया ये कहीं तो कम हो रहा है ना, वो कह रहे 49-50 लाख कितना मैं ला के दे ही रहा हूँ, कहे कि नहीं कहे आप लोग भी सुने हैं? देखिए आप लोग आने नहीं दिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, ला के देने को कहे हैं और जो हमारे अधिकारी कर रहे हैं ना, अगर आप हम सुने आप अगर हम रहते ना संभव होता वही बच्चे बतिया हम भी आपसे अलगा में लगाते, हम लोग विश्वास में लगाए आपसे नहीं, बात पता चली? अरे सीओ साहब बता दो, सीओ साहब नहीं सुनेंगे हम लोग को,
पूछे इनसे क्या बात छुपा है कोई सुबह से सीओ साहब तो सेटलमेंट वाले हैं ना, तो वो कह नहीं सेटल कर, पूछे ना इनसे पूछिए, लखनऊ तक फोन कर ले, गुरु कर रहे हैं, खाली बस ये है कि पूरी बरामदगी मिल जाए, हम लोग मालामाल हो जाए, दूसरा कोई खोगे अब नहीं कुछ होगा भैया, देखिए नुकसान भी करेंगे हम लोग का, अब वो पूरा सीपी तक जानकारी डिस्ट्रिक्ट फोन की पूरी जानकारी ऊपर तक हो गई सर, कई मैंने जो नहीं बोला अभी क्या होना आगे सुशील भैया, इसमें इनका रोल क्या है, सेटलमेंट खाली पूरा रोल तो यही का है भैया, नहीं क्या पूरा रोल है भाई साहब, मैं पर्चे पैसा जिनका हमें मिल रहा है काफी लेके गए, क्या हुआ कहीं आप इस पर ध्यान रहे, कौन पार्टी कहाँ की थी आपकी ध्यान रखा, पार्टी का पता नाम नंबर सब तो दे रहे हैं आपको, नाम पता दे रहे उनको, बुलवा भी तो रहा हूँ मैं, पैसा दिलाने से मतलब हाँ बोलिए, बस हमें और कुछ नहीं, पैसे की रिकवरी आपकी हो जाएगी, ये 3 बजे से कह रहे हैं बस, हम चंद्र जी उतर तक वो लेके आया था पैसा, सागर लेके आया था, अच्छा अगर इतना चुपचाप करके नहीं बैठा होता, समझ में आया, देखिए आप लोग भी जानते हैं ना, वर्दी और गर्दी सब आदमी जो पीछे भागते हैं, बताऊँ मैं इनकी आज की बात बता रहा हूँ, 3 बजे आए चौकी पे, हम लोगों ने कहा चलिए सीओ साहब के यहाँ चलिए मिलना है, उन्होंने कहा हम मुझे पहले कार्यालय में सीओ साहब छोड़ के भागा, दो लोग पैसा मंगाइए